चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को स्टार्ट किया था और बहुत अच्छी बात, हमारे लिए बहुत सारे नए फार्मूलेज आए थे और मैं आज आपसे डैम श्योर बोल सकता हूँ आपने बहुत अच्छे तरीके से इन फार्मूलेज को आज याद कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा, क्योंकि ये आज आपके सामने फॉर्मूले लिखे हैं, लेकिन विद इन 10 मिनट्स में इन फॉर्मूलेज को हटाने वाला हूँ। इसलिए अगर आपने फॉर्मूलेज नहीं करे हो तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके फॉर्मूलेज याद कीजिए। ये फॉर्मूलेज आपके सामने से हटने वाले हैं, ये कल के ही फॉर्मूले लेकिन आज हटने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। आपका सोचने का नजरिया चेंज होना चाहिए, आपको सब कुछ आ चुका है ट्रिग्नोमेट्री में, अब क्वेश्चंस को मैनेज करना है। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। पहला काम आप क्या करो, यहाँ पे LHS में रैशनलाइज करो। आप क्या करो, LHS ले हो और LHS में इसको रैशनलाइज कर दो। LHS क्या लिखी हुई है आपके पास, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। चलिए बताइए दोस्तों, सबसे पहली बात, रैशनलाइज करने के लिए मैं अपोजिट साइन से क्या करूंगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो लीजिए आपकी बात कहने पर 1 माइनस का साइन थीटा। हाँ, ऊपर दोनों नंबर एक जैसे हैं तो क्या ऊपर आप लिख सकते हो क्या, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है क्या, देखो ध्यान से। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। थोड़ा सा और मैनेज करते हैं, चलिए 1 माइनस इसको एज इट इज रहने दो अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक गलती बता देता हूँ आपको, यहाँ पर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक्चुअल में वो इस होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। होल स्क्वायर ओपन नहीं करना है क्योंकि हमें होल स्क्वायर बनाना है, इसलिए आप होल स्क्वायर ओपन कर दोगे तो आंसर लाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, आ तो जाएगा लेकिन टिपिकल हो जाएगा, हमें होल स्क्वायर ओपन नहीं करना है। जल्दी से हेल्प करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर एज इट इज, और 1 माइनस साइन थीटा क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए, ये भी स्क्वायर, क्या स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो क्या आप, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैंने क्या करा, होल स्क्वायर को कॉमन ले लिया, क्योंकि होल जो पावर्स होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है तो कॉमन भी आ सकती है। अब इससे आगे का काम आप लोगों का हो गया, क्वेश्चन नजरें तेज रहो, कल हमने क्वेश्चन करा, खाली सेपरेट करना है इसको, आप देख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए आपको, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और उसका क्या आ रहा है होल स्क्वायर। चलिए एक स्टेप और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख दिए 1 अपॉन कॉस थीटा को आप सेक थीटा, और इसको क्या लिख लीजिए आप टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव। ये क्या हुआ आपके सामने, क्वेश्चन पूरा अच्छी तरीके से प्रूव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कुछ इस तरीके से, आपको क्या करना है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको खुद को मैनेज करना है। एक क्वेश्चन होमवर्क, सेम क्वेश्चन है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू लाना है आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको अपने लेवल पे मैनेज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जहां पर उसने बोला कॉस थीटा, अपन कल कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा अप लेवल पे, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। अब मैं स्टेप्स हटाऊंगा, स्किप करूंगा, कैसे मैनेज कर सकते हैं चीजों को देखना। सबसे पहली चीज आपके सामने देखो, या तो आप एलसीएम ले लो, या तो आप एलसीएम ले लो, और अगर आप एलसीएम नहीं लो तो इसको अलग अलग सेपरेट कर लो। मैं
एलसीएम लेने से पहले अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी चीज कॉमन दिखती है तो आपका पहला टारगेट होगा कॉमन लेने का। मैं हर बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरी टेंथ क्लास जब तक आप पढ़ोगे तब तक बोल रहा हूँ, अगर आपको सबसे पहले कोई कॉमन चीज दिखती है तो आप कॉमन ले लीजिए, उससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। चलिए लीजिए कॉमन, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन, तो क्या बचा, कॉस बाहर आ गया वन, कॉमन सिर्फ या तो ऊपर से आता है या नीचे से आता है, तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर में ले रहा हूँ, वन माइनस का साइन थीटा प्लस, यहाँ से बचा वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा। मैंने एल एच एस को स्टार्ट किया, मैंने किसको स्टार्ट किया है, एल एच एस को स्टार्ट किया है। शायद हो सकता है आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस को देखने में प्रॉब्लम हो, इस जगह लाइट की फोकसिंग आ रही है, कोई बात नहीं, मैं इसका कलेक्शन कर देता हूँ, मैं इसको वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। मैंने दोनों में से कॉस थीटा कॉमन लिया, यहाँ बचा वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा। ये कॉस थीटा एज इट इज, इसका एलसीएम बताओ, वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा दोनों एज इट इज आ जाते हैं एलसीएम में, वन माइनस साइन थीटा से वन माइनस साइन थीटा कैंसल, इसको लाओ इधर, क्या बचा वन प्लस साइन थीटा, इससे ये कैंसल, इसको लाओ इधर प्लस वन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू वन प्लस वन कितना हुआ टू अपॉन, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, अगेन लिख रहा हूं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है इंटू टू अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जल्दी बताओ, इतना नहीं, वन माइनस साइन थीटा होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा से ये स्क्वायर कैंसल, कितना बचा टू अपॉन कॉस थीटा, उसको आप क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव एल एच एस इक्वल्स टू क्या आया आपके पास आर एच एस आ गया। ये हो गया आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, गॉट इट। तो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो को मैं करा चुका हूँ, एक आपको होमवर्क दे चुका हूँ, ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या बोलता है हमें क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके सामने, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, हमें इस क्वेश्चन को मैनेज करना है। आई एम रियली सॉरी आपको यहां पर विजिबल नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको वापस लिख देता हूं एक बार, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। मैंने एल एच एस से स्टार्ट किया, मैंने कहां से स्टार्ट किया एल एच एस, एज इट इज वापस लिख दिया क्योंकि आपको यहां देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं ट्राई करूंगा इस चीज को अगली बार रिकॉल करने की, लेकिन अभी आप देखिए एज इट इज लिख दिया है मैंने। चलिए सबसे पहला काम होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, ये आर एच एस है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है एनसीईआरटी फोल्डर से क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, चुटकियों का, देखते ही बहुत टिपिकल लगता है लेकिन चुटकियों में हो जाएगा। होल स्क्वायर ओपन कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी टू साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही बना क्या ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह साइन थीटा बी की जगह कॉसेक थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, गॉट इट। मैंने क्या करा, अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, देखो मैंने क्या बोला, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, इनको मैं साथ में लिख रहा हूँ, इनको मैं क्या कर रहा हूँ साथ में लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया होगा मैंने क्यों लिखा इनको साथ में, प्लस टू साइन थीटा कॉसेक थीटा,
टू। अब देखिए मैं स्टेप हटा रहा हूँ, आपकी कन्वीनियंस आप ध्यान रखना, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा को आप लिखोगे वन अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा क्या हो गया, कैंसल, वन बच रहा है। आप नहीं समझ में आता है तो यहाँ देखिए, ये कॉसेक थीटा इधर आएगा ऊपर, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, वन होता है। देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हुआ आपके पास, वन हुआ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये टू डॉट, ये दोनों आपस में कैंसिल, वन आया, प्लस ये कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, प्लस ये देखिए कॉसेक कॉस थीटा और सेक थीटा अगेन आपस में क्या होंगे, कैंसिल होगी, रेसिप्रोकल की रिलेशनशिप होती है। आप इस सेक थीटा को इधर ले आइए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, वन होता है। इसको आप लिख लो टू इंटू वन प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन प्लस टू प्लस, इस टू को साथ में ले लो, टू प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, चलिए वन टू और टू कितना हुआ, फाइव। देखिए आंसर में लाना है मेरे को, कहाँ गया, ये रहा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। कहीं से ध्यान से आप लोग देखिए, क्या हम सेक और टेन में कोई रिलेशनशिप है क्या, यस डेफिनेटली श्योरली। ये देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं इन दोनों आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूँ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बनेगा आपके पास वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा क्या बनेगा आपके पास, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चेक कर सकते हो आप, हमारा आंसर आ चुका है, हमारे चेस आ चुके हैं, फाइव और वन सिक्स और वन सेवन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूव्ड इक्वल्स टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल्स टू क्या हो गई, आर एच एस हो गई, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, क्या हुआ आपके, इसको प्रूव कर दिया गया है, इति सिद्धम। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसी का मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को अपने लेवल पे मैनेज करना है। हटाओ इसको, देखिए आपके पास अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ सेम है, बस आपको मैनेज करना है। चलिए नहीं है, मैं खुद ही कर देता हूँ, आएगा जब मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। अभी आपने ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है हमारे पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन में देखिए, अभी आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, अभी आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, उस होमवर्क के क्वेश्चन में ये एलएचएस पे लिखी हुई थी, ये आरएचएस पे लिखी हुई थी, तो मैं इसको एलएचएस से सॉल्व कर रहा हूँ, आपका काम होगा आरएचएस से, वो होमवर्क करना ही है। अब मैं इसको इस साइड से सॉल्व करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको वापस लिखा है। सबसे पहला काम, इधर साइन कॉस है तो इसको भी साइन कॉस में चेंज करूंगा, रामबाण लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, रामबाण। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ, उसका रीज़न क्योंकि अगर हमारी स्पीड होगी तो हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होंगे, स्पीड से बढ़ने के कारण हो सकता है आपको कहीं बहुत जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके देखिए, ध्यान से समझिए और फिर आगे बढ़िए। आप लोग ये मेंटेलिटी मत लाना हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है, मेरी गारंटी, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी श्योरिटी, आप लोगों का नुकसान नहीं होने दूंगा, और हम उस लेवल पे प्रैक्टिस करने हैं जहां पर लगभग हम ट्रिग्नोमेट्री के 100 टू 150 क्वेश्चंस को मैनेज कर लेंगे, जितने पूरी एनसीईआरटी की बुक में भी नहीं है। तो चलिए आइए हमारे काम पर आते हैं, हमें बहुत तेज और जल्दी से आगे बढ़ना है। देखिए इसको साइन कॉस में चेंज कीजिए, वन अपॉन
साइन थीटा माइनस का कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फॉर्मूलाज जो कुछ भी है वो सब कुछ फॉर्मूलाज, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा, और ऊपर बन गया आपके पास साइन वन माइनस का, ऊपर क्या बना साइन थीटा एलसीएम आया तो वन माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अगेन होल स्क्वायर मत ओपन कीजिएगा। इस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, इस साइन स्क्वायर थीटा को आप वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। नीचे देखो डिनोमिनेटर में, ऊपर वाला एज इट इज वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हो। लिख लो इसको, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा से वन माइनस कॉस थीटा कैंसिल, स्क्वायर से काट देता हूँ मैं, इसका अंडरस्टूड है क्योंकि दो बार लिख सकते हैं इसको, तो आंसर आ गया वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, हेंस प्रूव्ड। ध्यान रखिएगा सेम क्वेश्चन मैंने अभी होमवर्क दिया था आपको, आ रहे थे इस साइड से करना है, मैंने इधर से करना सिखाना था इसीलिए आपको मैंने करा है, पर आप इसको ट्राई कीजिएगा इधर से भी मैनेज कर सके। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, देखिए अब मैं फॉर्मूलेज हटा रहा हूँ, प्लीज आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए या आपके पास फॉर्मूलेज होने चाहिए, मैं फॉर्मूलेज को हटा रहा हूं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, प्रूफ करना है आपको वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। सीबीएसई 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है ये, सीबीएसई 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे मैनेज करेंगे, इस क्वेश्चन को मैनेज करने के लिए बहुत इजी, सबसे पहला मैंने आपको बोला मैं होल स्क्वायर ओपन करूँ, मैं आपको बोलूं कि नहीं मैं होल स्क्वायर ओपन नहीं करूंगा, मैं पहले इसको साइन कॉस में चेंज करूंगा, तो डिपेंड ऑन यू आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हो। मैं सबसे पहले होल स्क्वायर ओपन करना पसंद करूंगा, एल एच एस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा सेक थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा सेक थीटा, और ये क्या बना आपके पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर आगे खोल दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, अगर लाइट आ रही हो तो देखिएगा साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास वन, लिख सकता हूं क्या इसको, इसको लिख लीजिए आप वन प्लस टू साइन थीटा, इस सेक थीटा को चेंज कर रहा हूं टू साइन थीटा, इस सेक थीटा को मैं क्या वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं क्या, ये लीजिए वन अपॉन कॉस थीटा प्लस ये सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, हम सबको साइन कॉस में चेंज करेंगे क्योंकि साइन कॉस के साथ डील करना बहुत इजी होता है, बहुत इजी, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा तो यूज हो गया टू इस कॉसेक थीटा कॉस थीटा एज इट इज अपॉन कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो वन अपॉन, हाँ बोलिए वन अपॉन, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, वन अपॉन साइन थीटा क्या लिख सकते हैं इसको अपन वन अपॉन साइन थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए पेयर बनाने का काम, सॉरी
कॉसेक स्क्वायर थीटा को फिर साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। हम पूरे क्वेश्चन को किसके साथ डील करना पसंद करते हैं? साइन कॉस के साथ डील करना पसंद करते हैं पूरे क्वेश्चन को। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। में आपकी हेल्प वापस कर देता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखा मैंने? वन टू साइन थीटा एज इट इज, और सेक थीटा को लिखा वन अपॉन कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा नीचे, प्लस सेक स्क्वायर थीटा को लिखा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सब फॉर्मूलेज है। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूटिलाइज हो गया था, टू कॉस थीटा एज इट इज, कॉसेक थीटा को लिखा मैंने वन अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको अरेंज करना है इनको, इसको इसको साथ में ले लीजिए, ये प्रैक्टिस वाला पार्ट है। ये क्या है? प्रैक्टिस वाला पार्ट है। इसको और इसको साथ में ले लीजिए, लिखिए, आपको जादू नजर आएगा। वन प्लस टू, एक काम करें, नहीं ले लेते हैं टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस का वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चलिए वन प्लस इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये टू साइन थीटा एज इट इज, कॉस से कॉस कैंसल, टू साइन थीटा एज इट इज इंटू कॉस से कॉस कैंसल, ये साइन थीटा इधर आएगा इंटू साइन थीटा, प्लस ये साइन से साइन कैंसल, टू कॉस थीटा एज इट इज, और ये कॉस थीटा कहाँ चले जाएगा? इधर मल्टीप्लाई में, प्लस देखो ये इन दोनों का एलसीएम ले। मैंने पेयर में एलसीएम लिया है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसल, तो ये क्या बचा आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने एलसीएम लिया है बस। देखिए वन प्लस ये टू साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस इसकी वैल्यू वन होती है क्या? वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या बचा ये? कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आप यहां से मैं स्टेप हटा रहा हूं, दोनों में से टू कॉमन आएगा, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? बताइए जय किशन भाई साहब। यस रियली, इस नेम से एक बहुत अच्छी चीज मुझे सजेस्ट आई है। अभी आप लोगों के लिए लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, और अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, और म्यूज़िक को पसंद करते हैं, तो जय किशन सुथार नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पर वॉइस नोट बहुत अच्छा है, एक बार आप उसको सुनिए, आपका मन वाकई में बहुत अच्छा होगा। लाइक कीजिए उस चैनल को, आप ज़रूर पसंद कीजिएगा, करिएगा। देखिए मैं मेरे काम पर आता हूँ, आप एक बार देखिएगा, बहुत अच्छा चैनल है। देखिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अभी के लिए हम इधर आते हैं। टू कॉमन लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉमन लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, तो वन प्लस डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, टू अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ इसको, देखिए वन एज इट इज अपॉन टू एज इट इज, वन अपॉन कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? बताइए वन अपॉन कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक थीटा लिख सकता हूँ क्या? और वन अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ। देखिए आप खुद देखिए फॉर्मूलेज, जो कुछ भी है फॉर्मूलेज का खेल, टू एज इट इज था, वन अपॉन कॉस को मैंने क्या लिखा? सेक थीटा, और उसके बाद वन अपॉन साइन थीटा को मैंने क्या लिखा? कॉसेक थीटा, ये वाला प्लस एज इट इज अगेन वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर आपकी आंखें बहुत ज्यादा तेज हो तो देखो ये वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए की जगह सेक थीटा, बी की जगह कॉसेक थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन रहा है। वन प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का क्या बन रहा है? होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर एच एस, यही चीज लानी थी,
LHS equals to RHS. थोड़ा सा टिपिकल है आप लोगों के लिए, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हमने पहली बार सीखा है। अगर एक बार आपने अपने लेवल पे कर लिया ना, तो गारंटी मेरी आप कोई भी कह दे, हम बोलोगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री सबसे फेवरेट चैप्टर है। चलिए इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को, वीडियोस आप लोग पसंद कर रहे हो, और उसी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन वापस लेके आता हूं। देखिए क्या बोलता है। थोड़ा सा कंसेप्ट अब चेंज होगा, उस चेंज कंसेप्ट के साथ हमें आगे मूव करना होगा। देखिए क्या बोलता है अब हमें ये अगला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। क्या क्वेश्चन है वो? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। उसने बोला कि sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लाना है आपको टेन फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत 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 इजी। चलिए इन दोनों में से एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ी सी हेल्प कीजिए। कुछ कॉमन है क्या? यस सर बिल्कुल है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, सेक स्क्वायर फोर में से दो बाहर आए, टू बचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन बचा। क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? सर ऐसे कैसे पूछ रहे हो, हमें थोड़ी ना पता है। अरे तो देखो क्या होता है, बताइए जल्दी। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पीछे हमारे शर्मा जी, पता नहीं है शर्मा जी हंसते क्यों रहते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। आप क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह लिख लो टेन स्क्वायर थीटा। गॉट इट? अब आंसर किस में लाना है, टेन में लाना है, तो इसको भी तो टेन में ही चेंज करना पड़ेगा, आंसर ही उसी में लाना है, तो इस सेक को हटाना पड़ेगा। इस सेक को हटाने के लिए सेक को क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर थीटा को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर, टेन स्क्वायर थीटा और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो टेन फोर थीटा इक्वल्स टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल्स टू क्या आ गया, आर एच एस। हैंस प्रूफ, प्लीज जल्दी से नोट कीजिए, और इसके बाद हम कुछ लेवल को और अप करेंगे, एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस को। अब आप लोगों के लिए चीजें थोड़ी सी कंसेप्चुअल होती जा रही है, थोड़ी सी बोरिंग हो रही है, लेकिन बोर फील नहीं करना, आप लोगों को मजा आने लग जाएगा। कुछ बच्चों को तो पता नहीं, मेरा जो पहला वाला या सेकंड वाला लेक्चर था उसमें पेयरिंग का मतलब अभी तक समझ में नहीं आया, पता नहीं कमेंट सेक्शन में कैसी कैसी पेयरिंग करने लग जाते। अच्छा है, उनके लिए वहीं तक रहने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए क्वेश्चन है अगला, साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। आप ध्यान से देखिएगा, मैं इस कंसेप्ट का बहुत जगह यूज करूंगा। सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इस कंसेप्ट का बहुत जगह यूज